नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की। कई सवाल राहुल गांधी से किए गए तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर किस प्रकार के हालात हैं। मौजूद है हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति सिंह, लगातार दो दिन हो गए ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान के हो या छत्तीसगढ़ के, दोनों मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। फिलहाल क्या स्थिति एआईसीसी ऑफिस में देखी जा रही है, आगे की क्या रणनीति कांग्रेस की है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का आज दूसरा दिन है और देखिए चौथे दौर की पूछताछ जो है वो अभी तक चल रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और कल की तरह आज भी राहुल गांधी से दो दौर यानी कि दो राउंड में पूछताछ जारी है। पहले राउंड की बात करें तो देखिए 3:30 बजे तक, 11:30 से लेकर 3:30 बजे तक ये पहले दौर की पूछताछ जो है वो चली ईडी द्वारा, और फिर उसके बाद 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का एक लंच ब्रेक राहुल गांधी को दिया गया, और उसके बाद 4:30 बजे राहुल गांधी अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो गए, और 4:30 से लेके देखिए 9 बज चुके हैं और अभी तक राहुल गांधी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। यानी कि देखिए 4.5 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। और देखिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि थोड़ी देर में ईडी उन राहुल गांधी को छोड़ दे, लेकिन अभी तक कई तरह के सवाल जो है ईडी राहुल गांधी से पूछ चुकी है। और वहीं उसी बीच आशीष, एक कोलकाता की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसने भी एक नया एंगल दे दिया है इस पूरी पूछताछ को लेकर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला बताया जा रहा है। तो राहुल गांधी से कोलकाता की कंपनी, उससे भी जुड़ा एक सवाल राहुल गांधी से किया गया है। और वहीं देखिए पूरा मोर्चा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो प्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लगातार ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त डरने वाली नहीं है। हालांकि देखिए कांग्रेस इसे राजनीति बदले की राजनीति बता रही है, और वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार की राजनीति बता रही है। भाजपा का साफ तौर पे कांग्रेस पर ये निशाना है कि कांग्रेस इस वक्त सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। गांधी परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो करप्ट गांधी परिवार है, उसे बचाने की कोशिश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। राजस्थान से भी कई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उद्योग मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी इस वक्त दिल्ली आ पहुंचे हैं और इस वक्त सीएम के साथ मौजूद हैं। और देखिए अब आगे थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत फिर दोबारा से एआईसीसी की तरफ आएंगे। एआईसीसी के अंदर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अगर 10 बजे तक राहुल गांधी को नहीं छोड़ा जाता है ईडी द्वारा, और अगर कल फिर से समन भेजा जाता है, कल फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो आगे की रणनीति तैयार करने के लिए अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो एआईसीसी में बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि साफ तौर पे कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि पैदल मार्च अगर दिल्ली पुलिस नहीं करने देती है तो भी हम राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। और उसकी वजह से देखिए कल के मुताबिक आज अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एआईसीसी के आस पास दिल्ली पुलिस किसी को भी अंदर नहीं आने दे रही है, और जो अंदर आ जाता है उसको बाहर निकलने में दिल्ली पुलिस जरा सा भी चूक नहीं करने दे रही है। तो देखिए दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारी भी करती हुई दिखाई दे रही है, और देखिए एक तरफ दिल्ली पुलिस ने उन तमाम वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को भी अपने हिरासत में ले रखा, और तब तक नहीं छोड़ेगी दिल्ली पुलिस जब तक राहुल गांधी की ईडी की जो पूछताछ है वो खत्म नहीं हो जाती है। कल भी ऐसा हुआ था और आज भी बिल्कुल ठीक वैसा ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला हो गए और बात करें पीएल पुनिया हो गए, तमाम अगर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं की तो वो अभी तक डिटेन किए गए हैं और उनको अभी तक नहीं छोड़ा। और एक और खास बात आज देखने को मिली, दिल्ली पुलिस ने
जो डिटेन किए हुए नेता है उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया है, क्योंकि आज शाम की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत खुद अपने मंत्रियों के साथ और बाकी नेताओं के साथ मिलने पहुंचे थे, उन थानों पर विजिट किया जहां पर नेता डिटेन किए गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर सीएम अशोक गहलोत को अंदर तक नहीं जाने दिया, उनसे मिलने भी नहीं दिया। तो दिल्ली पुलिस मिलने भी नहीं दे रही है, तो देखिए ये एक कड़ा रुख जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर में फिर से ये कांग्रेस के नेता AICC में बैठक करेंगे और आगे की एक नई रणनीति बनाएंगे। देखिए चौथे दौर की बात करें तो 4.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, राहुल गांधी अभी भी ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है, कई तरह के तीखे सवालों का सामना राहुल गांधी को इस वक्त करना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे भी उनको इन सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ईडी जिस तरीके से कल कहती हुई दिखाई दे रही थी कि राहुल गांधी के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है, और अगर आज भी ऐसा ही होता है तो हो सकता है कि कल एक बार फिर से राहुल गांधी को ईडी दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा। आशीष बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर ताजा अपडेट आपको बता दें, कल फिर से राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है, पूछताछ लगातार तीसरे दिन की जाएगी, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो ऐसे में अब अहम ये हो जाता है कि लगातार दो दिन कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं, पैदल मार्च करने का प्रयास किया, गिरफ्तारियां दी है, तो लगातार तीसरे दिन भी क्या दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखिए दो दिन बीत चुके हैं और जैसे कि खबर आ रही है कि कल फिर से राहुल गांधी को ईडी दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा, कल फिर से तीसरे दिन उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आज भी देखिए कई सवालों के जवाब राहुल गांधी ने दिए, लेकिन कई सवालों के जवाब देने के बाद भी आज तो उन्हें दस्तावेज लेकर भी बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी राहुल गांधी को कल तीसरे दिन लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया, और ऐसे में एक बार फिर से देखिए बैठक होगी, तमाम वरिष्ठ नेता में शामिल होंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जैसे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहा गया है कि पैदल मार्च करेंगे और सत्याग्रह मार्च कर तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये जो केस है नेशनल हेराल्ड केस है इस मामले में राहुल गांधी को अगर इसमें फंसाया जाता है तो हम तब तक करते रहेंगे और जब तक उनको बरी नहीं किया जाता तब तक वो इसी तरीके से सत्याग्रह मार्च करते रहेंगे। और एक बार आपको कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें हम पीछे से दिखा देते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि पीछे की तस्वीरें दिखाई देंगे, इस वक्त पंडाल के बीच में अभी भी यहाँ पे कई कार्यकर्ता आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और नेता जो है अंदर इस वक्त AICC के कुछ नेता अंदर मौजूद है, और वहीं अभी सीएम अशोक गहलोत थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब जब ईडी ने राहुल गांधी को फिर से दोबारा तीसरे दिन आने के लिए बोला है तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनाती है कांग्रेस, क्या अगले कदम होंगे कांग्रेस के, क्योंकि दो दिन लगातार सड़कों पर उतरी है कांग्रेस और कल क्या करती है कांग्रेस अब इस पे सभी की निगाहें टिकी होंगी। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे दिल्ली संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने लाइव बताया कि फिलहाल इंतजार किया जा रहा है ईडी दफ्तर से राहुल गांधी का AICC कार्यालय पहुंचने का। हालांकि ताजा अपडेट ये है कि कल भी राहुल गांधी से लगातार पूछताछ ईडी करने वाली